Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 10th class. I hope you're doing well. Today's our lecture number 19 of biology and chapter number 11. Today we will study about nephron. Well, before starting this uh, new topic, I want to correct one point in my previous lecture, that is lecture number 18. It was the weight of kidney. In your textbook, it is written as 27 gram approximately, while the correct weight is 120 grams. राइट right? सो so, एक किडनी का जो वेट है वो 120 ग्राम है तो आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक में करेक्ट कर लें ठीक है पेज नंबर है 22 लाइन नंबर है 20 तो ये आप करेक्शन कर लें ताकि आपके एग्जाम में खुदा ना खास्ता ये मिस्टेक ना हो टुडे वी विल स्टडी अबाउट नेफ्रॉन इट्स पार्ट्स रीनल ट्यूब्यूल रीनल कॉपसल ग्लोमेरुलस वोमिन कैप्सूल और पाथवे इसका जो है पूरा नेफ्रॉन का ठीक है आज हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी देख लेंगे और इसके बाद हम इसको डिटेल से पार्ट वन बाय वन हर पार्ट को जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो व्हाट इज़ नेफ्रॉन नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड ओवर वन मिलियन इन ईच किडनी तकरीबन एक किडनी में वन मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन जो है ये प्रेजेंट होते हैं आप इसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं नेफ्रॉन को रीनल खापसल और रीनल ट्यूब्यूल रीनल कॉपसल को ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल में और रीनल ट्यूब्यूल को प्रॉगजिमल कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल और दरमियान वाला जो हिस्सा है इसका लूप ऑफ हैनल हैनल इज आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट जर्मन पैथोलॉजिस्ट था जी ये उसके नाम पे इन्होंने हैनल जो है लूप ऑफ हैनल जो है इसका नाम रखा है ठीक है इसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट डिजिटल कॉन्वलोटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रोन ओपन इन अगल क्लेक्टिंग डक यानी इन सब से क्रॉस करने के बाद नेफ्रॉन जो है वो जिस डक में ओपन होता है दैट इज कलेक्टिंग डक यानी जहाँ पे पूरा जो फिल्ट्रेट है ब्लड से उसको क्लेक्ट कर लिया जाता है उसके बाद है पेपीलरी ड्रक डटिंग डट ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म सेवरल हंड्रेड पैपीलरी डकट विच ड्रेन इन टू रीनल पैलविस जो कि फाइनली बाद में इसको रीनल पैलविस में इस फिल्ट्रेट को डाल देता है इसका पाथवे क्या बनता है वोमन कैप्सूल जो है उससे फिल्ट्रेट एंटर होता है प्रॉग्जिमल कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल में फिर लूप ऑफ हैनल में फिर डिजटल कॉन्वेलेट ट्यूबूल में उसके बाद क्लेक्टिंग डक में अगर डाइग्राम से मैं आपको ये समझाऊँ तो आपके लिए ये ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा ये देखें जैसे ये ह्यूमन किडनी है राइट ह्यूमन किडनी में एक पिरामिड शेप जो है रीनल uh, पिरामिड जो है इसको उन्होंने इस तरह करके आपको इलाज करके दिखाया ठीक है उसके अंदर देखो दोनों साइड पे नफरों का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाया और सिंगल नफरॉन जो है एक साइड वाला वो उसको हम देख लेते हैं सबसे पहला uh, जो है पार्ट है इसमें वो है डायग्राम uh, में जो पहला पार्ट है डिजिटल कॉन्वी ट्यूब हालाँकि ये एंड वाला है जिसमें फाइनली uh, जाता है तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं चलें ये देखें जैसे आ, ये आर्टरी है ठीक है इधर से आर्टरी जो है ये एंटर होती है नैफ्रोन के फर्स्ट पार्ट में और इधर से निकल जाती है और यहाँ पर सिर्फ ये एक ग्लोमेरुलस नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसके अंदर ब्लड जो है होता है और ब्लड के अंदर से वोमेन कैप्सूल जो है ये सारा फिल्ट्रेट जो है वो इसके अंदर से ले लेता है वोमन कैप्सूल में एंटर होता है फिल्ट्रेट और उसके बाद जो पोर्शन आता है इसका सबसे पहला वो है प्रॉक्सिमल कॉन्विटेटेड ट्यूब ठीक है प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड ट्यूब से नेक्स्ट है डिसेंडिंग लेम्ब ऑफ लूप ऑफ लूपाफैनल और असेंडिंग लिब ऑफ लूप ऑफ फैनल डिसेंडिंग का मतलब ये है कि जो नीचे जा रहा है ठीक है लिम्ब लूपाफैनल का और असेंडिंग मतलब जो ऊपर को जा रहा है लूप ऑफ लूपाफैनल उसके बाद है कॉन्वेलेट ट्यूब जो कि कलेक्टिंग डक जो है उसके अंदर एंटर हो जाती है और फिल्ट्रेट को यूरेटर के थ्रू जो है वो ब्लैडर की तरफ जो है वो चला जाता है फिल्ट्रेट ठीक है तो फाइनली ये इसका पाथवे है आज हमने आ, इस लेक्चर में इसको सिर्फ़ ग्राफिकली थोड़ा सा देखना है मैं इसको रिपीट करना चाहूँगी कि आज हमने क्या पढ़ा है हमने देखा है कि व्हाट इज़ नेफ्रॉन एक्चुअली दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन राइट आज हमने इसको बाय नेम यू समझ लें कि थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लिया है डिटेल में हम वन बाय वन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो व्हाट इज़ नेफ्रॉन नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ओवर वन मिलियन ऑफ़ नेफ्रोन आर प्रेजेंट इन वन किडनी और इसमें इसके पार्ट्स जो हैं वो हमने देख लिए कि सबसे पहले जो है वो आप ये देखें कि ये ग्लोमेरुलस है ठीक है उसके बाद मोमेंट कैप्सूल है उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वेलेटेड ट्यूब जो है वो स्टार्ट होती है उसके बाद लूप ऑफ हैनल है जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब आपने देखा उसके बाद कॉन्विटेड ट्यूब्यूल देखी आपने ठीक है और उसके बाद जो है उसने कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल से यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ गया और उसके बाद यूरिटर यूरिटर से ब्लैडर भी यूरिटरा सिंपली आज आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि किडनी में से ये रिनल पिरामिड जो है उसको उन्होंने पिक किया उसके अंदर ने नेफ्रोन्स हैं ठीक है नेफ्रोन का स्ट्रक्चर आपने देखा इसका फंक्शन इन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अभी आज आपने सिर्फ इससे फेमिलियर होना है इसके स्ट्रक्चर से ग्लोमेरुलस कैप्सूल से बोमन कैप्सूल से प्रोजी प्रॉगजिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से लूप ऑफ लूपाफैनल से ठीक है कॉन्वेलेटेड डिजिटल कॉन्विटेड ट्यूब से और कुल डक्ट से राइट right? तो डायरी स्टूडेंट्स आज आपकी ये है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन ठीक है नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं व्हाट्स अ पाथवे ऑफ फिल्ट्रेट टू यूरिटर जो फिल्ट्रेट है जो ब्लड से आता है उसको यूरिटर तक जाने में जो पाथवे लगता है वो सारा इस लेक्चर में मौजूद है ठीक है पर गिवन है ये आपने याद करके फिर खुद से लिखना है बाद में नोटबुक पर एक आपने एम सी क्यू बनाना है और आपने प्रैक्टिस करनी है एलेवन पॉइंट एट डाइग्राम जो है इसकी ठीक है स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर इट वॉज़ जस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ठीक है आपने इसके नेम्स अच्छी तरह से याद कर लेने हैं क्योंकि जब हम इसका फंक्शन स्टडी करेंगे तो यही नेम्स बार बार जो है वो यूज़ होंगे ठीक है ओके लिव हैप्पी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़